जिन चीजों के लिए सियासी जमातें जोर लगा रही है वो हमें प्लेटों पे रखकर ऑफर दिए जा रहे हैं, मगर फिर भी हमारा सिर्फ एक ही बात, और वो है कि हम जिस नजरिए की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं, ये वो नजरिया है कि जिस पर आप हमारे सामने पूरी दुनिया की सल्तनतें रख दो और ये दौलतें रख दो, ये ऐशो इशरत दुनिया की जाहो जलाल है वो सामने हो, बखुदा अगर इस मिशन के मुकाबले में आ जाए तो वो हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि हम उन्हीं की औलाद है कि जिनके सामने रोम की सारी सल्तनत रख दी गई। और आपको बताया गया हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा सहमी को, आपको बताया गया कि आपको हम अपनी रोम की आधी सल्तनत दे रहे हैं और इस सल्तनत में सबसे खूबसूरत लड़की से आपका शादी कराना चाहते हैं। आप सिर्फ ये करें कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की गुलामी को छोड़ दे। आपने जो जवाब दिया है वो हमारे लिए मीनारे नूर है। आपने जवाब दिया लवा तैतनी जमीया मा तमलिक व जमीया मा तमलिक व जमीया मुल्क अरब महाराजा तो अंदीन मोहम्मद इन तरफत आयन, ये तो आपने मेरे सामने सिर्फ आधी रूम के सल्तनत और बादशाही रख दी और हुजूर की गुलामी का कहा कि ये छोड़ दो। खुदा की कसम अगर पूरी रोम की सल्तनत और बादशाही हो, फिर जैसा और हो, और फिर पूरे अरब की बादशाहत हो, वो सब मेरे कदमों में ला कर दे, वल्लाहि मा रजातु अंदीन मुहम्मदिन तरफत आयनिन। खुदा की कसम मैं अपने करीम आका से पलक चपकते देर में भी वफाई नहीं कर सकता।